हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 13 फरवरी 2022 को सीजीपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पेपर वन जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न और उत्तर पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको जो प्रश्न के जो भी उत्तर बताऊंगा ये मेरे द्वारा थोड़ा इधर उधर से रिसर्च करके थोड़ा सा ढूंढ करके कलेक्ट किया हुआ आंसर है। जब तक सीजीपीएससी के द्वारा आधिकारिक तौर पर मॉडल आंसर जारी नहीं कर दिया जाता तब तक आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को सर्वमान्य नहीं मान सकते, ठीक है। ये जो आपको मैं जो उत्तर बताऊंगा ये मेरे द्वारा थोड़ा इधर उधर से ढूंढ करके लाया हुआ आंसर की है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए पहले नंबर पर है कि लाल बंगला, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। लाल बंगला जो संबंधित है ये आपके भुंजिया जनजाति से संबंधित है। भुंजिया जनजाति में लाल बंगला जो है रसोई घर को कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है कि चांग देवी देवालय किस जिले में स्थित है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे चांग देवी देवालय तो ये आपको नहीं मिलेगा, चांग देवी मंदिर सर्च कीजिएगा, चांग देवी का मंदिर ये स्थित है आपके कोरिया जिले में। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण संस्कृति एवं संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो ये जितने भी है आपके हरेली तीज कर्मा और आपके विश्व आदिवासी दिवस यानी कि उपरोक्त सभी तिथियों पर प्रदेश सरकार के द्वारा अवकाश घोषित किया गया है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि सभी के सभी क्या है हमारे प्रदेश के क्षेत्रीय त्यौहार है, क्षेत्रीय पर्व है और इन सभी पर्व पर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ है। हमारा जो करंट अफेयर का जो मैगजीन आया है उसमें भी ये आपका टेबल बना करके अलग से इसे हाईलाइट किया गया है, ठीक। इसमें एक और जोड़ा गया है आपका छेरछेरा, छेरछेरा में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अगला है कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। देखिए इस साल का नहीं पूछ रहा है, पहली बार का पूछ रहा है। पहली बार आयोजित किया गया था आपके वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में 27 से लेकर के 29 दिसंबर के मध्य जो है पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी जो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ग्राम गढ़ बेंगला के चेंद्रू मंडावी किस लिए जाने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा ये जो आपके चेंद्रू मंडावी जो है इन्हें टाइगर किट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टाइगर किट के नाम से आप अक्सर देखे होंगे जो एक छोटा सा बच्चा हमेशा एक बाघ के साथ खेलता हुआ दिखाई देता होगा, ठीक है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ मोगली भी कहा जाता है। ये बस्तर अंचल से हॉलीवुड जाने वाले पहले हीरो कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके चुनिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। कंगला मांझी जिसे हमने करंट अफेयर में कवर किया हुआ है, ठीक है। बालोद धमतरी वाले क्षेत्र में इनकी एक अलग सेपरेट सेना हुआ करती थी, ठीक है। आज भी जो है जब उनका जब इनकी पुण्यतिथि आती है तो सभी के सभी जो उनके सैनिक है उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। तो ये जो है जो आपकी आज भी राजमाता फुलवा देवी कांगे जो है इनका संबंध इन्हीं कंगला मांझी से है। और ध्यान दीजिएगा सेकंड आपका पूछा गया है कि संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या है। संत गहिरा गुरु का जो वास्तविक नाम है वो महेश्वर नहीं, वो है आपका रामेश्वर, ठीक है। उनका वास्तविक नाम क्या है, रामेश्वर है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, ध्यान दीजिएगा केवल कथन एक जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुमेलित कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा, जैसे कि जो आपका अमाउस का त्यौहार है, ठीक, अमाउस का त्यौहार जिसे हम आपका सावन अमावस्या के नाम से मनाते हैं। दूसरा है आपका सरहुल, सरहुल चैत्र माह में मनाया जाता है। नवा और आपका जो दशहरा है, दशहरा आपका कुवार माह में मनाया जाता है और नवाखाई जो है ये भादो माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग में, मेरे पास स्पेस कम है करके मैंने नीचे तरफ आंसर नहीं लिखा हुआ है, उस आंसर को लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आमूस है जिसे अमावस्या सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है, आपका कौन सा हरेली मनाया जाता है आपके सावन अमावस्या के दिन, ठीक। सरहुल चैत्र के महीने में, नवाखाई जो है भादो के महीने में और आपके कुवार या इसे ही अश्विन का महीना कहते हैं, इस दिन मनाया जाता है आपका विजयदशमी। निम्नलिखित जनजाति को उनके निवास स्थान के आधार पर उन्हें सुमेलित कीजिए। पहाड़ी कोरवा जनजाति जसपुर में निवास करती है, भुंजिया जनजाति जो है गरियाबंद में निवास करती है, बिंझवार जनजाति बलौदा बाजार भाटापारा में और अबुझमाड़िया जनजाति है ये जो है आपके नारायणपुर में निवास करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न शासकों के नाम और उनके राजवंशों को सुमेलित कीजिए। जो आपका कन्हार देव है, ये कन्हार देव आपके छिंदकनाग वंश से संबंधित है, स्कंद वर्मन आपके नल वंश से संबंधित है, हर्षगुप्त आपके पांडु वंश से संबंधित है और बजगय आपके दुर्गराज ये सरमपुरी राजवंश से संबंधित है। मराठा सूबेदारों को ध्यान दीजिएगा, देखिए मराठा सूबेदारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इनका थोड़ा सा ईयर को यहां पर लिखते हुए चलिए। देखिए जो आपके केशव गोविंद है उनका टाइम पीरियड है 1797 से लेकर के 1808 और जो अगले है आपके यादव राव दिनकर, इनका इनको जो है आप यादव राव दिनकर के पढ़े होंगे, इनका टाइम पीरियड है आपके 1817 से लेकर के 1818 तक। विठल राव दिनकर
इनका है 1790 से लेकर के 1796, और बीकाजी गोपाल इनका टाइम पीरियड है आपका 1809 से लेकर के आपका 1817। तो अगर हम देखेंगे तो इनका अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है ये, सेकंड नंबर पर है आपका केशव गोविंद, ठीक, थर्ड नंबर पर है आपका बीकाजी गोपाल, और फोर्थ नंबर पर है आपका यादवराव दिवाकर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1933 में महात्मा गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था। ठीक है, बड़ा एकदम यूनिक सा प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे एक नाम मिला, वो नाम है आपका स्मिथ पियर्स। ठीक है, उस समय जो है आपके राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे आपके स्मिथ पियर्स, जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था भाषण के लिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित समाचार पत्र और उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के है आपके कन्हैया लाल वर्मा, आलोक के है आपके केशव प्रसाद वर्मा, प्रकाश के है आपके यदु नंदन प्रसाद, और लास्ट है आपके है वंश इसके है आपके उदय प्रसाद। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1947 को गिरफ्तार किए गए नेताओं के नाम और उनके स्थान को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न था, इसके आंसर को लेकर तो मैं भी अभी तक श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर ढूंढने में मिला तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका याकूब अली का संबंध जो है ये है आपका रायपुर से। ठीक, सेकेंड नंबर पर है आपका हर नारायण वाजपेयी जी का संबंध है आपके बिलासपुर से। लक्ष्मण सिंह देशमुख, इनका संबंध है आपका दुर्ग से, और आपका वी वी तामस्कर इनका संबंध है आपके बेमेतरा से। ठीक है, इसके आंसर को लेके मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिसर्च करने पर यह मिला। देखिए, भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक एवं अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है। मिस्टर जेनकिंस का नहीं हो सकता, क्योंकि नागपुर में जो है आपके रेजिडेंट नियुक्त हुए थे। ठीक, इनका नाम तो हमको कभी पढ़ने के लिए मिला नहीं। कैप्टन एगेन्यू की अगर हम बात करें तो ये थे आपके ब्रिटिश अधीक्षक। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर चिम्स का नाम आता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो है जमींदारी व्यवस्था पर कार्य किया हुआ था, तो ये इनका हो सकता है। ठीक है, तो जो मिस्टर चिम्स है उनका कथन, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट में जमींदार शब्द भी आ रहा है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे मिस्टर चिम्स, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जमींदारी व्यवस्था के ऊपर काम भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस के नेतृत्व के लिए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तारी हुई इनकी। ध्यान दीजिएगा, 13 जून 1932 को इनकी गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, राजनांदगांव, यहां ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव की बात हो रही है, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, देखिए राजनांदगांव में जो आपके राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और आपका बलदेव प्रसाद मिश्र, ये सभी के सभी संबंधित है, जबकि आपका राजूलाल शर्मा का नाम आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है, यह प्रश्न आपका डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दे रहा है वो कोई भी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए हमारा अगर हम बात करें एग्जैक्ट का, तो देखिए जो आपका कृषि क्षेत्र का है आपका 4.61, आपका सेवा क्षेत्र का है 0.75, और आपका उद्योग क्षेत्र का है -5.28। ठीक, तो अगर हम इसको क्रम से जमाएं तो इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम होगा सेकंड, फिर होगा इसका फर्स्ट, और फिर होगा इसका थर्ड। लेकिन अगर आप आंसर की उसके आंसर देखेंगे तो आंसर कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बानस नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसमें सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्गम जो है आपके मनेंद्रगढ़ से मांझा टोली की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ध्यान दीजिएगा ये ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोटरी जलप्रपात इस पर नहीं है, कोटरी जलप्रपात जो है ये आपके कन्हार नदी पर है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, आंसर ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राज्य में चर्चित स्थल को सुमेलित कीजिए। ठीक, जो आपके टमाटर की राजधानी कहा जाता है आपके लुढ़क को, कोसा अनुसंधान केंद्र जो है ये है आपका बस्तर, किसान शॉपिंग मॉल है आपके राजनांदगांव में, और आपका चावल अनुसंधान केंद्र या चावल अनुसंधान संस्थान ये मौजूद है आपके लाभांडी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुछ कथन वाले प्रश्न है। देखिए कथन ए, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई। ठीक, और दूसरा है आपका 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आंकड़ा बता रहा है 2017-18 में
देखिए जो 2017-18 का जो आंकड़ा बता रहा है कि -10.90 ये जो कमी दर्ज की गई ये एकदम सही है, लेकिन कारण जो बता रहे हैं गलत है। इस समय जो आपके 2017-18 में जो सूखे का कारण था वो था आपके उत्पादन में कमी, ठीक है, उत्पादन में कमी के कारण ये आपका ऋणात्मक दर्ज हुआ। और ये जो 2017-18 में ये जो आपका जनपद जो सूखा हुआ था, ये जनपद सूखा होने का कारण था आपका वर्ष 2015-16, वर्ष 2015-16 में भी आपका ऋणात्मक दर्ज किया गया था, और ये जो है आपके 2015-16 में जनपद सूखा जो है ये कारण था, और ये जो आपका जो 2017-18 में कारण क्या है, उत्पादन में कमी के कारण आपका ऋणात्मक दर्ज किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे, देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना अगर डिटेल में जाएंगे सब एक स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे तो काफी हमको लेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम धान की खरीदी हुई। तो देखिए पिछले 2-3 सालों में धान की खरीदी जो है वो सर्वाधिक हो रही है आपके जांजगीर चांपा में, लेकिन यहां जांजगीर चांपा दो जगह है तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक हुई आपके जांजगीर चांपा में जबकि सबसे कम हुई आपके दंतेवाड़ा में। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक, मटासी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये जो आपकी मिट्टी है ये भाटा यानी कि लेटराइट मिट्टी की अपेक्षा अधिक और आपके कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। सॉरी ये गलत होगा ना, थोड़ा सा यहां पे रॉन्ग लिखा गया है, अपेक्षा कम ऊंचाई पर मिलती है। ठीक है, सही है, अपेक्षा जो है ये कम ऊंचाई पर मिलती है, ये कथन आपका सही होगा। ये मिट्टी जो है आपके कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ठीक है, काली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है बोला है, ये एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस मिट्टी में जो है रेत की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें मिट्टी में जो है रेत की मात्रा अधिक नहीं होती, इसलिए अगर कोई एक आंसर लेना हुआ तो हम आंसर लेंगे रेत की मात्रा अधिक होती है वाला। ठीक है, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग आपका 37.46 लाख कृषक परिवार मौजूद है, ये भी आपका जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का बुक आया था उस बुक में ये डाटा एज इट इज पूरा टेबल बना करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर उसको पढ़े होंगे तो आपको ये डाटा एकदम क्लियर होगा, इतने परिवार मौजूद है, ये कथन एकदम सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के GHDP में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है, ये गलत है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक योगदान है वो है आपके उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग आपके 46% के आसपास है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 17% के आसपास है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक, कृषि जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये कथन सही है। कथन कौन सा गलत होगा, मात्र एक आपका सेकंड नंबर का कथन। ठीक, तो आप अपना आंसर इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, केवल एक और तीन जो है ये कथन सही है। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है करके मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से मैच करते हुए चलिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा या छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, सातवाहन वंश की शक्ति जो है शक्ति क्षीण होने के बाद वाकटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। देखिए ये जो आपके वाकटक वंश है ये सातवाहन वंश के ही सामंत थे, जैसे इनकी शक्ति जो है कम होती गई वैसे वैसे वाकटक वंश ने जो है धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया और अपना राज्य स्थापित किया। वाकटक वंश का जो पहला शासक है वो प्रवर सेन, ये कथन गलत होगा क्योंकि इसका पहला शासक है आपका महेंद्र सेन। ठीक है, हमने पढ़ा भी है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाला, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में महेंद्र सेन का वर्णन मिलता है, और विंध्य शक्ति जो आपके विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, यह भी फालतू का स्टेटमेंट है। अगर हम देखिए अगर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, पहली चीज तो ये जिन्होंने एलिमिनेट करके ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व किया होगा उनका मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन करेक्ट बना होगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपका कथन जो है कथन एक सत्य होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है छत्तीसगढ़ में धान की किस किस्म को सन 2021 में आपका GI टैग मिला, यह भी आपका इस बार जो हमने करंट अफेयर का बुक निकाला है उसमें दिया गया है, वो मिला है आपके दुबराज चावल को। कौन सा दुबराज चावल, नगरी दुबराज चावल जिसका पैदावार होती है आपके धमतरी जिले में, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, यानी किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विधायी मामलों में, ठीक, यानी कि नियम कानून बनाने संबंधित, वित्तीय मामलों में, पैसों से संबंधित, कार्मिक मामलों में, ठीक है, यानी कि जो आपके कार्य में संलग्न जो आपके लोग हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इन तीन मामलों में जो है राज्य शासन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, लेकिन नागरिकों के द्वारा जो शिकायत के संबंध में इससे जो है राज्य सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपका ए बी और सी यानी कि आपका ऑप्शन डी, अगर आपके पास, देखिए अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं यह है आपका सेट नंबर है आपका बी, ठीक है, जो PSC का सेट नंबर बी है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ए बी और सी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए, एक को कथन
ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए नगरीय नगर निगम जो है एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किया जाता है। देखिए नगर निगम के लिए जो है बड़े नगर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, और किसी निश्चित क्षेत्र में गठन नहीं किया जाता। और दूसरा है आपके बड़े नगरों में नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है कथन गलत है, ठीक, क्योंकि इसके लिए जो है आपके बड़े नगर का होना आवश्यक नहीं है। और जब परंतु जो आपका कारण आर है, ठीक है, जो आपका कारण आर है वो थोड़ा बहुत आपका सही हो सकता है। ये भी जो आपका प्रश्न है मेरे लिए थोड़ा डाउट का है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है ये होना चाहिए कि कथन जो है ये गलत है, जबकि इसका कारण जो है ये सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आपको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया, यहां है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें है आपका जो वार्ड समिति है, वार्ड समिति आपके संविधान के अनुच्छेद 243S में बताया गया है। उसके बाद है आपका महानगर आयोजन समिति, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 243ZE में बताया गया है। और आपका जिला आयोजन समिति, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 243ZD में बताया गया है। ये जो है कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी होगा। राज्य विधायिका के संबंध में अनुच्छेदों को चुनिए, ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें जो है आपके राज्यों में विधायिका का गठन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 168 में बताया गया है, इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संविधान के अनुच्छेद 178 में बताया गया है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 195 बताया गया है, वित्त विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 199 बताया गया है, ठीक है। इसे सुमेलित कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में देख करके आप जो है क्वेश्चन को हल कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो काफी डीप में जाकर के इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा आपका, ये वाला सही है, सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ठीक है। इसमें जो है आपका फोर्थ नंबर का सुमेलित नहीं है, फोर्थ नंबर जो है आपका GVK, ठीक, इसमें से ये शुरू के 3 सही सुमेलित है, लेकिन ये चौथा सुमेलित नहीं है। ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक व्यवस्था को बता रहा है, जबकि अगर आप पढ़ेंगे तो JVK समिति जो है ये भी आपके पंचायत से संबंधित है, पंचायतों में नियमित चुनाव से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने नियमित चुनाव कराए जाने की सिफारिश की थी, ठीक। तो ये तो वैसे भी आपको देख के समझ जाना चाहिए था कि JVK राव समिति जो है ये आपके चुनाव से यानी कि पंचायत चुनाव से संबंधित है, जबकि इसमें जो है स्टेटमेंट अलग दिया हुआ है। नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए और ये जो कथन वाला प्रश्न है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जिला न्यायाधीश में जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। जिला न्यायाधीश जो है जिले में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है, ठीक। देखिए इस स्टेटमेंट को देखिएगा, इसमें जो है दोनों कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ठीक। कथन ए का सही स्पष्टीकरण आपका कारण आर है, इसमें जो कथन है यह भी सही है और इसका जो कारण आर है यह भी सही है और यह इसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन ए है यह इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख शक्ति है, यह है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नीचे दी, ये फिर इस बार के पेपर में जो है ना ये कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, ठीक है, और पेपर थोड़ा टफ भी आया तो शायद हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहेगा। देखिए जो आपके दो वक्तव्य है कथन कारण वाला, इसको समझ लीजिए। इसमें जो है आपके न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, कारण भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी नहीं होता, ठीक। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसमें आपका कथन जो है कथन सही है और जो इसका परंतु इसका कारण गलत है, यानी कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, ठीक। ये जो है आपका कथन सही है, लेकिन ये जो आपका इसका कारण दे रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता, ये आपका स्टेट, ये जो आपका कारण जो बताया जा रहा है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी छुरी पहाड़ी। ये जो आपकी छुरी की पहाड़ी है इसका अधिकांश भाग कहां विस्तारित है, तो ध्यान दीजिएगा ये विस्तारित है आपका कोरबा में। छुरी मातिरिंगा की पहाड़ी जिसका विस्तार है आपका कोरबा,
कोरबा के अलावा रायगढ़, रायगढ़ के अलावा है आपका सरगुजा, इन तीन जिलों में इसका विस्तार है। तो यहां ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक ही मिलता है आपका कोरबा, ठीक है। पांचवें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल प्रजननता निम्नलिखित में से कितनी थी, ये जो प्रजनन दर के बारे में पूछ रहा है। और हमने आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एक टेबल शेयर किया था, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनसे बना होगा। ये है आपका 1.8, ठीक है, ये है आपका प्रजननता दर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल जो कि महानदी के तट पर स्थित है, और यहां पर ये जो है आपके बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर और मठों के स्मारक मौजूद है, ये तो बन जाना चाहिए था, ये मौजूद है आपके सिरपुर में, जहां पे आपका स्वास्तिक बौद्ध विहार भी मौजूद है, जैन मठ भी मौजूद है, हिंदू धर्म की भी वहां पे आपके बहुत सी मूर्तियां, यानी कि लक्ष्मण मंदिर मौजूद है, ठीक है। आइए है आपका मेलगर नदी, मेलगर नदी का उद्गम कहां होता है, मेलगर नदी जिस पर मौजूद है आपका मेलगर इंदुल जलप्रपात, इसका उद्गम होता है आपके बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है, इसे सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है आपको एग्जैक्ट एज इट इज नाम आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका श्री सीमेंट जो है, श्री सीमेंट मौजूद है आपके बलौदा बाजार में, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है आपका अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक मौजूद है आपका सिमगा में, जेके लक्ष्मी मौजूद है आपके अहिवारा में, जबकि आपका सेंचुरी सीमेंट ये मौजूद है आपके तिल्दा में, ठीक है, इसको सुमेलित कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण और उसके क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। हीरा, ध्यान दीजिए, जो आपका हीरा है, हीरा मिलता है यहाँ दो, ये गलत हो गया ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आएगा आपका चूना पत्थर और इधर आएगा आपका जांगड़ा, जांगड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका हीरा मिलता है, हीरा मिलता है आपका जांगड़ा में, ठीक, जांगड़ा जो कि मौजूद है आपके गरियाबंद में। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है आपका झीपनकरी में, झीपनकरी जो कि मौजूद है आपका बलौदा बाजार में, ठीक। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज जो है ये मिलता है आपका परसोली में। गार्नेट, गार्नेट जो है, गार्नेट मिलता है आपके लाटापारा में, लाटापारा ये मौजूद है आपके गरियाबंद में। उसके अलावा जो आपका परसोली है, परसोली मौजूद है आपके दुर्ग में, ठीक है। तो आपका मैग्नीज मिलता है परसोली में, गार्नेट मिलता है लाटापारा में, चूना पत्थर मिलता है झीपनकरी बलौदा बाजार में, हीरा मिलता है जांगड़ा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जनौला के उत्तर बताइए। बिना पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे ना भूख प्यास। तो इसका शास्त्र पढ़ने से ही मालूम चल रहा है आत्मा और जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो आपका एक खाना दिया हुआ है, तीन तिखार महाविचार, इसका आंसर होगा आपका अंतिम निर्णय, ठीक है। ये जो आपका खाना दिया हुआ है, इसका आंसर होगा आपका अंतिम निर्णय। नेक्स्ट है आपके प्रस्तुत खाना, इसमें बहुत सारे खाना दे दिया है। ऐसे तो एक्चुअली ये जो खाना जो है ये आना चाहिए था आपके पेपर टू सी सेट में, लेकिन उसको इसमें भर दिया है। देखिए, कुटहा करम के फुटहा दोना, पेज चागे चारों कोना, इसका आंसर होगा आपके अभागे को सहारा ना मिलना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या हो सकता है, जनौला यहां पर दिया हुआ है, उस जनौला के बारे में ध्यान दीजिए। इसमें बोल रहा है एक हंडिया में जेमा दू रंग के पानी, ठीक है, यह है आपका अंडा, अंडा जिसके अंदर एक पीले रंग का गाल भी होता है और एक पतला तरल पदार्थ भी होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश के बारे में, यह है आपका बड़ सहिताधारी लक्ष्मण जाति जोगी, ठीक, पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ने में पूरा टाइम वेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका जितने भी आंसर दिए हुए हैं, हो सकता है कि जो क्वेश्चन है आपका डिलीट होगा। डिलीट क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो आपका, इसमें बात हो रही है आपकी लक्ष्मण की, ठीक है। मैं एग्जैक्ट एकदम पूरे सोर्स के साथ नहीं बता सकता, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक गाथा है जिसका नाम है आपका फूल बासन गाथा जो है ये आपके सीता माता और लक्ष्मण जी से संबंधित है, जिसमें सीता माता को एक स्वप्न में एक फूल दिखता है और उसके बारे में वो लक्ष्मण जी को बताती है और लक्ष्मण जी उस फूल के तलाश में निकल पड़ते हैं। ये है आपका फूल बासन गाथा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फूल वामन और फूल कुंवर, इसलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये किसकी रचना है, चारों डहर सवाल उगे है, ये जो आपका है ये है मुकुंद कौशल की रचना है, ठीक है, उनकी एक कविता है, छत्तीसगढ़ी गजल है ये, ठीक। नेट में अगर आप सर्च करेंगे मुकुंद कौशल और शुरू की एक लाइन टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी गजल है ये। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो प्रोत्साहन योजना है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस ये जो है आपका प्रश्न देखते से ही बन जाना चाहिए था, आने के लिए बड़े बड़े प्रश्न आए हैं, लेकिन
अगर इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो काफी एक ही बारे बन जाते हैं। देखिए ये जो आपका मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो प्रोत्साहन योजना है, इसका डेट देखिएगा, इसका डेट है आपका 1 जून 2021 को ये योजना प्रारंभ की गई थी, और इसी से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जो है ये वाला जो है आपका गलत हो गया, ठीक है। इसमें जो है इस योजना के तहत आपके पौधा रोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें जो है आपका, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपके शुरू के जो तीन ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कहा जिसने एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनसे सारे क्वेश्चन बने होंगे, शुरू के तीन जो आपके ऑप्शन है उसमें ये पहले नंबर का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है, तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी जिसमें तीसरा सत्य है, इसको सुमेलित कीजिए बोल रहा है। इसको सुमेलित करने की जरूरत ही नहीं, सारे के सारे नाम सामने दिए हुए, गुंडाधुर पुरस्कार कुमारी रोहिणी, आपकी खूबचंद बघेल, मुकेश चौधरी, वीर नारायण सिंह, जानकी प्रसाद और आपका मिनी माता सम्मान, ये जो है आपका मिला है कल्पना देशमुख को, ये संबंधित है आपके बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है आपका रोहिणी साहू। अब देखिए प्रमुख योजना और उसके संबंधित विभाग को समझाइए, ये जो है अब इससे समझ में आता है कि पीएससी के क्वेश्चन का स्तर कहां तक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए ये जो आपका संस्कार अभियान है, संस्कार अभियान आपका महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आपका चलाई जा रही एक योजना है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये जो है आपके नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही योजना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये जो है आपका महिला एवं बाल विकास, ये वाला करेक्ट है। तीरथ व्रत योजना, ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही योजना है। सामर्थ्य विकास योजना जो कि दिव्यांगजन से संबंधित एक योजना है, यह भी आपके समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा सही नहीं है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, पांचवा सही नहीं है, केवल एक ही सही है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी डीप में जिन्होंने पढ़ा होगा, वैसे तो इतने डीप में जाकर कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि विभाग कौन सा, हम क्या योजना का डेट देखते हैं, योजना का उद्देश्य देखते हैं, उसके डाटा देखते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि विभागों को भी पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस जिले में महिलाओं के जो है आपके साक्षरता दर सर्वाधिक था। देखिए यहां पे साक्षरता दर दिया हुआ है और यहां पे जितने भी जिलों के नाम दिए हुए हैं ये सभी के सभी आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिलों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक है आपके राजनांदगांव जिले में और सबसे कम है आपके नारायणपुर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। वर्ष 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी घोष ने की थी। कथन दो, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में यानी कि गरम दल और नरम दल में बट गया था, ये दोनों कथन सत्य है। और 1916 में जो है इसका जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ जिसमें आपके नरम दल और गरम दल का विलय हो गया, इसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी, गलत है, इसकी अध्यक्षता की थी आपके अंबिका चरण मजूमदार ने, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये इसका जो ये वाला कथन है, ये वाला कथन होगा गलत, तो कथन एक और कथन दो केवल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके चुनाव कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रथम प्रयास है ये किया गया था आपके वर्ष 1971 में, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1872 पर आपके लॉर्ड मेयो के आपके कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार आपके प्रथम जनगणना किया गया था। उसके बाद वर्ष 1981 से जो है दार्शनिक जनगणना एक नियमित रूप से बन गई, ये सही है। तीसरे नंबर का जो है आपका गलत है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके बन जाएगा, पहला अगर आपको मालूम चल गया तो अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा जहां पर भी आपका कथन पहला जो जिस जिसमें रहेगा वो सभी के सभी एलिमिनेट, तो पहला कथन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है केवल कथन एक सही, केवल कथन दो सही, केवल कथन तीन सही, केवल कथन दो सही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाने का आदत डालिए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस जो आपके जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी सभी को याद होगा कि इसमें जो है आपके फजल अली, के एम पनिक्कर और आपके हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है शायद यहां मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे जो है आपके हृदयनाथ कुंजरू ठीक इसके सदस्य थे आयोग में, जो है ये वाला कथन गलत होगा। ठीक है, संसद ने पास आपके जो आपका राज्य पुनर्गठन कानून है वर्ष 1956 जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का इसमें प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें केवल आपका कथन एक और कथन दो सही है, कथन एक और कथन तीन सही है, कथन दो गलत है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके भारत के पूर्व न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है। काफी डीप में जाके पूछा था, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लगभग 90% लोगों से ये चीज नहीं बना होगा। पहली बात तो ये जो है आपके भारत के 16 मुख्य न्यायाधीश थे, ये कथन सही है। ये अब तक सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे, ये भी सही है। और इनकी नियुक्ति की थी आपके नीलम संजीव रेड्डी ने, जो कि उस समय भारत के आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी डीप में जाकर के पूछा था, और पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है कि काफी कम लोगों ने इन्हें बनाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके फिर से न्यायाधीश से संबंधित है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो है आपके कर्मल नारायण सिंह, जो कि मात्र 17 दिन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। उनके बाद आपका एस चंद्रबाबू, जो कि 29 दिन के लिए बने थे। ठीक है, इसका आंसर होगा आपके कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। इसमें देखिए, संशोधन जो है आपके वर्ष 1977 से 79 के मध्य लाया गया, यानी कि वर्ष 1978 के आसपास संविधान संशोधन लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन में कुछ बदलाव भी किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, यह जो है 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, जिसे सुधार करके कि यह सही किया गया था आपके 44वें संविधान संशोधन में, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट ना हो। ठीक है, तो यह सुधार किया गया था, तो यह वाला स्टेटमेंट गलत होगा। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यों का निर्वहन कर सकता है। उसके अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बने रहेगा, ये गलत है। जैसे ही वो आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। इस अवधि के लिए जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही। और यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। दोनों कथन सही है, कथन दो और कथन तीन सही है, पहला कथन गलत है। देखिए, विधेयक पारित करने के लिए संसद में संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका संयुक्त बैठक जो है, यह सामान्य विधेयक में, वित्तीय विधेयक में बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक यानी कि मनी बिल और आपके संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। तो पहला कथन ऐसे ही गलत हो जाएगा। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, ये जो संयुक्त अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं करता। यानी कि यह कथन जो है आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन, सॉरी संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ति। देखिए, गणपूर्ति जो है ये होता है आपका 1/10, तो ये वाला कथन भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन केवल दो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन केवल दो रहेगा। तो इसका आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनजाति के सर्वाधिक सीट जो है आरक्षित है, तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपकी जनजाति आबादी सर्वाधिक है, तो वहीं पर आपका सीट भी ज्यादा होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन, ध्यान दीजिएगा यहां पे लोकसभा बोल रहा, लोकसभा के अधीन नहीं है, तो वो है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ये जो समिति है, ये राज्यसभा सचिवालय के अंतर्गत आती है। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्वायत्त संस्था नहीं है बोल रहा है। ठीक है, स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक, दूसरा, इसमें जो है संसद के पूर्व सदस्य, इसके पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, ये भी गलत है। वर्तमान सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति इसके पदन्य उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये कथन सही है, तो इसका आंसर होगा केवल तीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष का सही मिलान कीजिए, बनने के वर्ष का सही मिलान कीजिए। तो देखिए, लक्षद्वीप बना आपके वर्ष 1956 में अस्तित्व में आया, दमनदीव 1962 में अस्तित्व में आया, चंडीगढ़ जो है 1966 में अस्तित्व में आया, दादर नगर हवेली जो है 1961 में अस्तित्व में आया, इसको सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है। ये जो आपका स्वायत्त जिले का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके 6वीं अनुसूची के अंश से संबंधित है। ठीक?
ठीक है, जो आपके भारतीय संविधान में जो आपके अनुसूचियां हैं उसके छठवे अनुसूची यानी कि एएमटीएम का प्रशासन, एएमटीएम यानी कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में जो है आपके 30 सदस्य होते हैं, ये वाला कथन सही है। ये जो आपका जिला परिषद है इसमें 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत है। इसमें जो है आपके 28 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। असम जो है इसमें जो है स्वायत्त जिले भारतीय, जैसे कि मैंने बताया जो सिक्स जो है ये आपके एएमटीएम के प्रशासन संबंधित है यानी कि असम, तो ये वाला कथन सही है, पहला और आपका तीसरा कथन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में जो कुल सदस्य संख्या है वो होती है 5, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 आपके सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। देखिए हो सकता है, ये अलग स्टेटमेंट है, लेकिन यहां बोल रहा होना चाहिए, ये कथन होगा आपका गलत। आयोग के अध्यक्ष को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, जी नहीं, राष्ट्रपति चाहे तो जो आपका पहले जो आपका आयोग का अध्यक्ष था उसे पुनः नियुक्त कर सकता है। इस आयोग के आपके प्रथम अध्यक्ष जो है ये थे आपके के सी नियोगी, ठीक है, के सी नियोगी जो है ये वित्त आयोग के आपके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका कथन नंबर जो चौथा है, चौथा, तीसरा, दूसरा सभी गलत है, केवल कथन एक सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। इसमें जो है रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन इसका मुख्यालय है आपके गुवाहाटी में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ये है आपके गुवाहाटी सिक्किम में। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी जो आपका प्रश्न है ये भी आपके विलोपित करके बन सकता था ऑप्शन को। देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो सभी के सभी जो आपके ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए दिया हुआ, यानी कि ये ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। ठीक, और इसमें जो है भारत में जो कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिलाओं खिलाड़ियों की संख्या पुरुष से अधिक थी, ये भी सही है, और भारत ने जो है कुल 18 खेलों में भाग लिया, ये भी सही है, तीनों कथन सही है। निम्नलिखित टेनिस टूर्नामेंट को जो है उनके प्रारंभ होने के वर्ष के आधार पर कालक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंच ओपन जो कि आपका अस्तित्व में आया था आपके 1891 में, विंबलडन जो कि आया था आपके 1877 में, यूएस ओपन आया था आपका 1881 में, और ऑस्ट्रेलिया ओपन आया था आपके 1905 में। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है। कंप्यूटर का क्वेश्चन तक डाल दिया है आपके सीजीपीएससी के पेपर वन में, आज तक कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं डाला, कंप्यूटर क्वेश्चन व्यापम में आता है, पीएससी में अभी तक नहीं आया था। तो देखिए इसमें हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, इसका आंसर आएगा आपका आंसर डी। ठीक, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। ये जो है आपका DDoS अटैक, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये एक साइबर अटैक था, काफी चर्चा में रहा ये। नेक्स्ट है आपका नाविक का फुल फॉर्म क्या है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये आपका नाविक का फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका कुछ साइंस से रिलेटेड, इसका क्वेश्चन आया था, साइंस में हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। आवृत्ति मॉड्यूल की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, ये वाला जो आपका कथन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके चंद्रयान 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ये वाला जो कथन है, ये चंद्रयान 2 है ये दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण के लिए भेजा गया था, तो कथन नंबर जो सी है ये आपका गलत है, बाकी सभी कथन आपके सही है। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है, उम्मीद से परे क्वेश्चन था ये। ठीक है, लगभग सभी के सभी लोगों ने को जो है आपका कोविशील्ड का दोनों डोज लगा करके हो गया है, लेकिन मात्रा किसी को नहीं पता, मेरे को खुद को इसका मात्रा नहीं पता। ठीक, इसका जो आंसर है वो है आपका 0.5 ml। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गलवान घाटी से, अभी जो पिछले साल जो है आपका भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद आपका गलवान घाटी चर्चा में आया, वो प्रश्न इसमें डाल दिया और कहां से उठा करके डाला है। देखिए वहां पर जो आपकी गलवान नदी बहती है उसका नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ये जो आपके गुलाम रसूल गलवान है ये एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये कथन गलत है। ये जो आपके गलवान जो है ये शुरुआत में एक डाकू थे, बाद में ये बन गए थे आपके चरवाहा। ठीक है, ये पहले डाकू थे फिर बाद में चरवाहा बन गए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सर्वेंट ऑफ साहिब्स, तो ये कथन सही है। आपके कथन एक और कथन तीन सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत और पुर्तगाल सरकार के मध्य भारत के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित किए जाने का समझौता हस्ताक्षर हुआ है, ये है आपका लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड स्थल था। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में कौन सही है। हम सभी पढ़ रहे थे अभी पिछले साल ही जो है आपका भारत के पहले सीडीएस का निधन हो गया आपके विपिन रावत जी का।
ठीक है, तो हम सब पढ़ रहे थे कि भारत के पहले सीडीएस कौन है, आपके विपिन रावत, लेकिन प्रश्न कैसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का जो अध्यक्ष है, ये जो आपका अध्यक्ष अध्यक्ष होता है भारत का रक्षा मंत्री, सीडीएस इसका सीडीएस जो है इसका अध्यक्ष नहीं होता, भारत के जो रक्षा मंत्री है केंद्रीय रक्षा मंत्री वो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसका विकल्प चुनिए। ऐसा क्वेश्चन डाला है जो कि उम्मीद से ये भी काफी परे था। देखिए, ये जो आपका गंजाम विद्रोह है, ये गंजाम विद्रोह आपके उड़ीसा बिहार वाले क्षेत्र में हुआ विद्रोह है, ये आपके 1800 से लेकर के 1805 के मध्य हुआ था। इस गंजाम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धनंजय ये नहीं थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके श्रीकर भंज, ठीक। और एक विद्रोह है आपका गुमसूर विद्रोह, गुमसूर विद्रोह जो कि हुआ था आपके 1835 में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके धनंजय, ठीक। देखिए, ये उठपटांग सा प्रश्न आया था, ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न था। धनंजय जो कि श्रीकर भंज के पिता थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है, श्रीकर भंज के पुत्र थे। तो इसमें से एक ही आपका आंसर सही था, आंसर था आपका गंजाम विद्रोह जो कि 1800 से लेकर के 1805 के मध्य हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन काफी अच्छा था। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी, जी नहीं, ये सदस्यों की संख्या जो है ये 6 हुई थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों के में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ये भी सही है। केवल कथन एक गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पारित हुआ आपके 20 जून 1892 को, ठीक है, ये लागू हुआ आपके 20 जून 1892 को, सही है। इसमें 24 सदस्य जो कि गैर सरकारी सदस्य थे, देखिए स्टेटमेंट वही है लेकिन ध्यान दीजिएगा, गैर सरकारी सदस्य, देखिए 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या नहीं, भारतीय सदस्यों की संख्या 5 थी यहां, ठीक है, गैर सरकारी वाला अलग कॉन्सेप्ट है, भारतीय सदस्यों की संख्या 5 थी, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों को पढ़कर के सही विकल्प चुनिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपके विश्व के भूगोल से आया था, जेडी डाना, ये जो जेडी डाना है ये आपके एक भूगर्भ शास्त्री भी थे और आपके खनिज विज्ञानी भी थे। इन्होंने केवल भारतीय उपमहाद्वीप का नहीं, इन्होंने पूरे विश्व के जितने भी आपके महाद्वीप है, महाद्वीप और महासागरों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, महासागरों का इन्होंने अध्ययन किया था। तो यहां केवल भारतीय उपमहाद्वीप कहना तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये एक आपके खनिज विज्ञानी भी थे, तो खनिज विज्ञान से संबंधित ही आपके आर्कियस चट्टान, द्रविडियन चट्टान और आपके आर्यन चट्टान। तो इसमें कथन 2 है वो सही होगा और कथन 1 जो है ये गलत होगा। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये भी विश्व के भूगोल से संबंधित है, इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर होगा सी, इसमें क्योंकि मैं समझाने के लिए कुछ नहीं समझा सकता, इसे बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो इसमें बताया गया है आपका ये जो सारे के सारे आपको नाम दिख रहे हैं ये पृथ्वी भूगर्भिक इतिहास संबंधित है, ठीक है, पृथ्वी का जो आपका भूगर्भिक इतिहास है यानी कि जो उसका कालक्रम है, इतने सालों से जो हमारी पृथ्वी है तो उसके भूगर्भिक इतिहास संबंधित ये सारे के सारे नाम है, इंटरनेट में सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। तो यही उनका कालक्रम है, सबसे पहले है ईओसीन, उसके बाद है मायोसीन, फिर प्लास्टोसीन, फिर आपका प्लायोसीन, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सॉरी इसमें जो है आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन आएगा इसमें बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भूगर्भिक विरासत स्थल और उसके स्थान का मिलान कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो आपके कास्ट जीवाश्म पार्क है ये है आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है, ये मौजूद है आपके तमिलनाडु में। शिवालिक पार्क जो कि मौजूद है आपके सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। आपका स्ट्रेमेटोलाइट पार्क जो है ये मौजूद है आपके चित्तौड़गढ़, जो कि मौजूद है आपका राजस्थान में। और लास्ट है आपका लोनार झील जो है ये है आपका बुलढाणा, जो कि मौजूद है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसको ये सारे के सारे सुमिलित है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये भी आपके विश्व के भूगोल संबंधित है, कहां से आया था पता नहीं, इसमें बस एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो HH Hess नाम दिया हुआ है ये HH Hess नहीं है, ये जो है आपका ये जो प्लेट, पहला चीज तो ये जो प्लेट विवर्तनिक जो आपकी तकनीक है, ये जो सिद्धांत है ये आपका समुद्री तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और ये जो तकनीक दिया था, ये जो आपका सिद्धांत दिया था वो एक जर्मन आपके विज्ञानी थे जिनका नाम था आपका एल्फर्ड वेगेनर,
ठीक है, ये नाम आता है, ये तो विश्व के भूगोल से था, तो ये वाला कथन गलत होगा, कथन दो है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित हिमनद लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। ये बकवास सा प्रश्न जो मेरे से भी नहीं बना और मैं इसको जबरदस्ती सर्च करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है, तो ये वाले प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। ये जो है 2017 में ये आंकड़ा आया था, तो इसमें जो है देखिए, इसमें बताने के लिए ऐसा है कि 2017 में एक आंकड़ा आया था कि भारत में जो है सर्वाधिक बड़े बांधों की संख्या कहाँ है, तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश में लगभग 906 बांध है, गुजरात जो है यहाँ पर आपके 632 बांध है, ठीक है, तो ये कुछ है। सबसे ज़्यादा जो है ये मौजूद है आपका राजस्थान में, राजस्थान जो कि सूखा एरिया है वहाँ सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। और अगर राजस्थान के बाद अगला नंबर आता है वो है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद अगला नंबर आता है वो है आपका गुजरात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, भारत जो है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन कमी करेगा, ये कथन सही है। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा क्षमता में 60% नहीं, ये है आपका 50% 50% अक्षय ऊर्जा की 50% पूर्ति जो है ये अक्षय ऊर्जा से करेगा। 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को जो है 50 गीगावाट करेगा, ये सही है। इसमें से जो कथन जो आपका बी है, कथन बी जो है ये गलत होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के आधार पर सुमेलित कीजिए। ठीक, इसमें जो है आपका पद्म पुरस्कार के आधार पर, अभी जो 2021 में जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, ये भी ऐसा क्वेश्चन आया कि पता नहीं काफ़ी लोगों से बना है कि नहीं बना है, क्योंकि इतने पूरे के पूरे पद्म पुरस्कारों की लिस्ट को याद करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सुजीत चट्टोपाध्याय जो कि आपके साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, आपके सुलत्रीम चोंजोर जो कि आपके सामाजिक कार्य से संबंधित है, उसके बाद है आपका पूर्णमासी जानी जो कि कला से संबंधित है, और आपका बिजोय चक्रवर्ती जो कि आपका सामाजिक मामले पब्लिक अफेयर से संबंधित है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उचित एवं लाभकारी मूल्य। देखिए, जैसे कि आपका भारत में जैसे जो कृषि उपज है, कृषि उपज के लिए लाया जाता है आपका MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वैसे ही आपके गन्ना के लिए, गन्ना यानी कि शुगर केन के लिए लाया जाता है आपका इसका फुल फॉर्म है FRP यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। ठीक, ये हमने देखा था, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने इसको बताया था एक बार, हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है ये इस FRP का जिक्र हुआ है। ठीक, तो ये जो FRP जो है ये गन्ना संबंधित है। ठीक, उचित एवं लाभकारी मूल्य जो कि गन्ना यानी कि शुगर कैन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक गणना, विनिर्मित उत्पाद महत्व प्रतिशत कितना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आप प्रतिशत याद रख लीजिए, वो है आपका 4.23%। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट प्रतिशत कितना है। नेट में सर्च करेंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, उल जल्दी का प्रश्न लगा मुझे, लेकिन नेट में सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्यों में दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम, ध्यान दीजिएगा, भारत में जो है आपका सर्वाधिक जो दुग्ध का उत्पादन है ये इस साल अगर आप देखेंगे तो PSC जो है ये भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की ओर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में जो सर्वाधिक आपका दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है यूपी में, यूपी के बाद होता है आपका राजस्थान में, राजस्थान के बाद होता है आपका MP में, MP के बाद होता है आपके गुजरात में। तो देखिए, पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है आपका गुजरात, तीसरे नंबर पर आएगा आपका पंजाब, और चौथे नंबर पर आएगा आपका हरियाणा। तो ऑप्शन है आपका बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वायरस के संदर्भ में एक कथन है, ये भी साइंस का पोर्शन है, इसको भी हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। इसमें जो है आपको एक बात बता देता हूँ, जो DNA जो है, DNA वायरस जो है ये अधिकांशतः, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है अधिकांशतः, वैसे जो DNA वायरस है ये आपका सिंगल और डबल सिंड्रोम दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकांशतः बोल रहा था, अधिकांशतः ये होता है आपका डबल। ठीक है, तो ये जो आपका इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो होगा आपका आंसर सी। कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बाप रे ऐसा क्वेश्चन डाला है। देखो, इसमें जो है कृषि सीमांत एवं कुल किसानों का जो है आपका 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% कुल फसल क्षेत्र का मालिक है। ठीक है, ये नेट में सर्च करेंगे तो एक नव भारत का आर्टिकल है, उसमें हर एक डाटा आपको उसमें मेंशन मिल जाएगा।
ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसमें जो है आपके तीनों कथन ही सही होंगे। आप उसमें डालिएगा कृषि जनगणना 2015-16, आपको पूरा इसका डिटेलिंग मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कंटेनर में भरे कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं दूंगा मैं भी। कंटेनर का जब आयतन बढ़ाएंगे तब, और कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर लीकेज हो जाता है तब जो है उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इस पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज वाला, ये वाले क्वेश्चन पे भी मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि साइंस वाला जो है आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। ये साइंस, मैं सही बताऊं मेरा साइंस कमजोर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाँ, उदयगिरी की पहाड़ी और आपके खांडगिरी की पहाड़ी, ये खांडगिरी की जो गुफाएं हैं ये मौजूद है आपके उड़ीसा में, ठीक है, ये मौजूद है आपके उड़ीसा में। यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन थोड़ा समझिएगा, देखिए यहां पर जो है आपके प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों गुफाएं हैं, ठीक, यहां पे दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। उदयगिरी की पहाड़ी में 18, नेट में आप जैसे ही डालेंगे उदयगिरी और खांडगिरी की पहाड़ी, आपको पहला ही आर्टिकल दिख जाएगा कि इसमें 18 और खांडगिरी में टोटल 15 गुफाएं हैं। खांडगिरी की गुफा जो है यहां पर हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, ये खांडगिरी की गुफा नहीं, उदयगिरी की गुफा जो है आपके हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। काफी यूनिक क्वेश्चन, उम्मीद नहीं था। तो इसमें जो है आपका कथन एक और दो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विशुद्धि मग, ये जो विशुद्धि मग है ये अभी जो टेस्ट सीरीज मैंने कराया था उसमें ये डाला था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन मैंने डाला था कि विशुद्धि मग ये जो आपका ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इसके लेखक है आपके बुद्ध घोषा। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है, इसमें एक ही है, ये जो आपका परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र के बीचों बीच आपका अशोक स्तंभ का जो है प्रतीक चिन्ह होता है और उसमें चार तरफ से जो है आपके अशोक चक्र में जो है आपके चार इंद्र वज्र बने होते हैं, इंद्र वज्र जो कि चार इंद्र वज्र की चार प्रतिकृति अंकित होती है, तो इसके कथन में केवल यही सही है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 100 नंबर पर ये क्वेश्चन जो कि आपके चित्रकारी से संबंधित है, ठीक, कढ़ाई कला से संबंधित है। देखिए, जो फुलकारी है ये कला संबंधित है राजस्थान में, धरनिया ये कला संबंधित है आपके गुजरात से, कसूटी ये संबंधित है कर्नाटक से, और आपका कर चोबी ये संबंधित है आपके राजस्थान से। ठीक है, तो ये है आपके टोटल 100 क्वेश्चन जिसको हमने आज के वीडियो में देख लिया है। काफी टफ था, इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल उम्मीद से काफी परे था। इसको जो है आप कोई एवरेज पेपर या मीडियम पेपर नहीं बोल सकते, पेपर का लेवल थोड़ा क्या बहुत हाई था। कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करता, जब तक मॉडल आंसर नहीं आ जाता, जब तक एमेंडेड आंसर की नहीं आ जाता, संशोधित उत्तर वाला नहीं आ जाता, तब तक इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए।